हर हर महादेव। महादेव के भक्त जनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे दुख को दूर करने के तरीके के बारे में बात करूंगी। दुख एक ऐसी भावना है जो हर किसी को कभी न कभी होती ही है। यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन दुख को हमें अपने आप को घेरने नहीं देना चाहिए। हमें इसके साथ कैसे निपटना है यह सीखना चाहिए। दुख को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले इसके मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। दुख का कारण हमारे विचार और भावनाएं हैं। जब हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हम दुखी महसूस करने लगते हैं, और जब किसी चीज के बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो दुख को दूर करने के लिए हमें अपने विचार और भावनाओं को चेंज करना होगा। हमें पॉजिटिव सोचना होगा, महसूस करना होगा और सीखना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। हम इसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं जो शिव जी के द्वारा बताए गए हैं, और शिव जी के इस संदेश को हम आत्मसात करके दुख को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। जब हम नेगेटिव विचार सोचते हैं तो हमें उन्हें पहचानने और बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हम इसके लिए कुछ टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मनोचिकित्सा का सहारा ले सकते हैं। दूसरा, हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखना होगा। शिव जी कहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। जब हम नेगेटिव भावनाओं को दबाते हैं तो वे हमारे अंदर बढ़ती ही जाती हैं और हम दुखी होते जाते हैं। हमें अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना होगा और उन्हें एक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखना होगा। शिव जी कहते हैं कि दुख को दूर करने का तीसरा उपाय हम अपना सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना होगा कि आखिर हम इस पृथ्वी पर, इस जगह पर क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, हमें क्या करना चाहिए। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को बताते हैं या जानते हैं तो हम अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा, हम आत्म अनुशासन का अभ्यास कर सकते हैं। जब हम अपने आप को अनुशासित रखते हैं तो अपने दुखों को दूर करने के लिए एक पॉजिटिव कदम उठा सकते हैं। पांचवा, हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि दूसरों की हेल्प करते हैं तो हम अपने दुख को दूर करने के लिए एक पॉजिटिव दृष्टिकोण को अपनाते हैं, उसे विकसित करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे अपनाकर हम दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के संदेश हमें जीवन में आगे बढ़ने और पॉजिटिव सोच को बनाए रखने में हेल्प करेगी। यदि आप किसी प्रियजन की मृत्यु के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप ध्यान या योग का अभ्यास करके अपने विचारों को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपने प्रियजन के साथ अपने अच्छे समय के बारे में सोच सकते हैं, उनसे जुड़ने के लिए कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। आप एक दान या पार्थिव कर्म कर सकते हैं। शिव जी कहते हैं कि यदि आप किसी नौकरी के नुकसान के बारे में नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों, फैमिलीज में बात करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आप नई नौकरी खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। अपने कौशल और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। आप एक उद्यम शुरू कर सकते हैं। यदि आप खुद को कमजोर और अयोग्य मानते हैं तो आप अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य के लिए छोटे प्राप्त करने के योग्य कदम निर्धारित कर सकते हैं, और आप प्रत्येक कदम को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। आप एक कोच या सलाहकार से हेल्प ले सकते हैं। यदि आप अकेला और अलग थलग महसूस कर रहे हैं तो आप दूसरों की हेल्प करके खुद को दूसरे से जोड़ सकते हैं। आप एक स्वयंसेवी संगठन में शामिल हो सकते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक दोस्त या एक सुपरवाइजर बन सकते हैं जो आपकी हेल्प की नीड है। जिसे आप एक धार्मिक समुदाय में शामिल हो सकते हैं। दुख एक सामान्य मानवीय अनुभव है, लेकिन याद रखना इम्पोर्टेंट है कि दुख हमेशा के लिए नहीं होता, यह सिर्फ कुछ पल के लिए है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को चेंज करके दुख को दूर करना चाहिए। तो अगर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो भगवान शिव जी के ये संदेश आपके बहुत काम के हैं। इसे अपनाइए। इन चरणों को अपनाकर आप दुख को दूर करेंगे, नेगेटिव विचारों से दूर होंगे और पॉजिटिव विचारों की दिशा में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव।
आप सभी भक्तजनों से गुजारिश है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।